सोनाली ए टू जेड मोबाइल एवं इलेक्ट्रॉनिक शॉप पता पीएचई के सामने सम्राट होटल के पास एवी रोड हनुमान कॉलोनी रोड गुना। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं कैलाश कुशवा, आप देख रहे हैं सिटी चैनल गुना। आज की प्रमुख खबरों पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सभी हेडलाइंस पर। दीक्षा के बाद पहली बार गुना में हुआ नगर गौरव गुण सागर जी महाराज का मंगल प्रवेश, उत्साह और उमंग के साथ हुआ आचार्य संघ की भव्य आगवानी। जैनेश्वरी दीक्षा के करीब पौने दो साल बाद नगर गौरव मुनि श्री गुण सागर जी महाराज का गुना में मंगल प्रवेश। शनिवार सुबह मंगल बेला में अपने गुरु आचार्यों श्री वर्धमान सागर जी महाराज के सत्संग सानिध्य में हुआ। इस मौके पर जैन समाज द्वारा आचार्य संघ की भव्य आगमानी हनुमान चौराहे पर की गई। बैंड बाजी, ढोल नगाड़ों और दिव्य घोष के साथ भव्य जुलूस हनुमान चौराहा, हार्ट रोड, बतासा गली, पंडाजी चौराहा होते हुए चौधरी मोहल्ला स्थित पार्षद दिगंबर जैन मंदिर पहुंचा। इस मौके पर जैन समाज के साथ शहरवासियों ने जगह जगह पर रंगोली सजाकर आरती उतारकर आचार्य श्री एवं मुनि संघ की भव्य अगवानी की। ग्रस्त जीवन के परिवार की हुई पहली आहार चर्या। कृषि कानून के विरोध में आज कांग्रेस पार्टी ने चक्का जाम कर बाईपास पर किया विरोध प्रदर्शन। विरोध प्रदर्शन में समस्त कांग्रेस कार्यकर्ता, किसान संगठन एवं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह रहे। विभिन्न किसान संगठनों के संयुक्त तत्वावधान में आज देश के कई राज्यों में आयोजित चक्का जाम के तहत स्थानीय जिला मुख्यालय पर भी बिलोनिया बाईपास पर चक्का जाम कर किसानों के हित में आवाज बुलंद की गई। चाचौड़ा में छात्रवृत्ति राशि में घोटाला। जिले के चाचौड़ा शिक्षा केंद्र में लाखों रुपए के घोटाले का मामला सामने आया है, जिसमें की जांच के बाद जनपद शिक्षा केंद्र चाचौड़ा में पदस्थ बीआरसी को कलेक्टर द्वारा निलंबित किया गया है। केवट समाज द्वारा आज सम्मान समारोह का कार्यक्रम रखा गया एवं विशाल आम सभा कर वाहन रैली निकाली गई। सामाजिक बदलाव के लिए संघर्ष की कोशिश जारी रखने की आवाज दे रहे कविता पोस्टर, बोली श्रीमती पद्मा टांटिया। आवाज कविता पोस्टर अंग 41 का हुआ अनावरण। शहीद भगत सिंह यादगार मंच के तत्वावधान में चल रही वैकल्पिक सामाजिक सांस्कृतिक मुहिम आवाज कविता पोस्टर के अंग 41 का अनावरण श्रीमती पदवा टांडिया शिक्षिका व समाजसेवी द्वारा डॉक्टर सुदीप अरोरा की क्लिनिक पर किया गया। सुरुचि क्लब का पदस्थापना समारोह शनिवार को संपन्न हुआ। सुरुचि क्लब ने हिंदू संस्कृति के अनुसार बसंत उत्सव मनाते हुए नए सत्र का पदस्थापना समारोह अशोका होटल में शनिवार को संपन्न किया। आज नगरपालिका टीम द्वारा सार्वजनिक तौर पर बाथरूम करने वालों पर की गई चालानी कार्रवाई, कई लोगों के बनाए गए चालान। आरव नगर में स्वच्छता पर काम कर रहे युवा टीम का आज आरव दौरे पर रहे कैबिनेट मंत्री बंसी सिसोदिया ने सभी युवाओं का नाम बोलकर हौसला बढ़ाया। साथ ही कहा कि अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप तुरंत हमें बताएं। म्याना में स्वर्गीय इंदिरा देवी स्मृति टेनिस वर्ल्ड क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन हुआ। आज हुए 3 अहम मुकाबले, 6 गेंदों पर छक्के देखने को मिले। कल होगा सेमीफाइनल। आयान 11 बसेस चांदनी क्लब, पुलिस क्लब बसेस चौकी क्लब। आज भी खचाखच भरा गुपचुप स्टेडियम, हजारों की संख्या में दिखे दर्शक। बमोरी विधानसभा के क्रिकेट खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री एवं बमोरी विधायक महेश सिंह सिसोदिया की माताजी स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा देवी सिसोदिया की स्मृति में एक विशाल टेनिस वर्ल्ड क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के मद्देनजर समस्त कार्य समय सीमा में पूर्ण हो, बोले जिला कलेक्टर। नगर पालिका परिषद गुना की आयोजित बैठक में दिए निर्देश। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 अंतर्गत स्वच्छता संबंधित सभी कार्य समय सीमा में पूर्ण हो, सफाई के कार्य योजना बने और उसके अनुसार कार्य किए जाए, ये निर्देश कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिका परिषद गुना कुमार पुरुषोत्तम ने जिला कलेक्ट्रेट के सभा कक्ष में स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 अंतर्गत गुना नगर पालिक की आयोजित बैठक के दौरान दिए।
नानाखेड़ी का गोलू उर्फ गजपाल यादव एक वर्ष के लिए जिलाबदर। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा पारित आदेश द्वारा जिले के नानाखेड़ी के आदतन अपराधी को एक वर्ष के लिए जिलाबदर कर दिया गया है। इसास के पारित आदेश अनुसार नानाखेड़ी जिला गुना के गोलू उर्फ गजपाल पुत्र संग्राम सिंह यादव को एक वर्ष के लिए जिला गुना एवं उसके आसपास के जिलों भोपाल, राजगढ़, शिवपुरी, विदिशा एवं अशोकनगर की सीमा से बाहर चले जाने का निर्देश दिया गया है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा ईवीएम वेयर हाउस का किया गया निरीक्षण। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर स्थित ईवीएम वेयर हाउस का नियमित मासिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। ग्रामों को आर्थिक दृष्टि से सशक्त बनाने बड़ी गौशालाएं बनेंगी और इससे संबंधित उद्योग स्थापित किए जाएंगे, बोले मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया। कामखेड़ा ग्राम में लगभग 1.5 करोड़ रुपए लागत से निर्मित होने वाली गौशाला का किया भूमि पूजन। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कहा है कि अब बड़ी बड़ी गौशालाएं बनवाई जाएंगी, इससे संबंधित उद्योग भी लगाए जाएंगे ताकि रोजगार के अवसर बढ़े और ग्राम भी आर्थिक दृष्टि से मजबूत रहे। जैविक खाद का उत्पादन होगा जिससे रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में कमी आएगी और लागत में कमी आने, उत्पादन बढ़ने से फायदे का धंधा बनेगा। उन्होंने ये बात आरोन जनपद अंतर्गत ग्राम कामखेड़ा में 1.49 करोड़ रुपए लागत से 1,1500 गोवंशीय पशुओं की क्षमता की गौशाला निर्माण के भूमि पूजन के अवसर पर कही। दीक्षा के बाद पहली बार गुना में हुआ नगर गौरव गुरुण सागर जी महाराज का मंगल प्रवेश। उत्साह और उमंग के साथ हुआ आचार्य शंख की भव्य आगवानी। जैनेश्वरी दीक्षा के करीब 2.25 साल बाद नगर गौरव मुनि श्री गुरुण सागर जी महाराज का गुना में मंगल प्रवेश। शनिवार सुबह मंगल बेला में अपने गुरु आचार्यों श्री वर्धमान सागर जी महाराज के सशंक सानिध्य में हुआ। इस मौके पर जैन समाज द्वारा आचार्य शंख की भव्य आगमानी हनुमान चौराहे पर की गई। बैंड बाजे, ढोल नगाड़ों और दिव्य घोष के साथ भव्य जुलूस हनुमान चौराहा, हार्ट रोड, बतासा गली, पंडाजी चौराहा होते हुए चौधरी मोहल्ला स्थित पार्षद दिगंबर जैन मंदिर पहुंचा। इस मौके पर जैन समाज के 7 शहरवासियों ने जगह जगह पर रंगोली सजाकर आरती उतारकर आचार्य श्री एवं मुनि शंख की भव्य अगवानी की। ग्रस्त जीवन के परिवार की हुई पहली आहार चर्या। कृषि कानून के विरोध में आज कांग्रेस पार्टी ने चक्का जाम कर बाईपास पर किया विरोध प्रदर्शन। विरोध प्रदर्शन में समस्त कांग्रेस कार्यकर्ता, किसान संगठन एवं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह रहे। विभिन्न किसान संगठनों के संयुक्त तत्वावधान में आज देश के कई राज्यों में आयोजित चक्का जाम के तहत स्थानीय जिला मुख्यालय पर भी बिलोनिया बाईपास पर चक्का जाम कर किसानों के हित में आवाज बुलंद की गई। यहाँ पर आंदोलन कर रखा, आखिर ऐसा क्या है कि अब इंटरनेशनल लेवल के जो है रिहाना हो, चाहे पॉप सिंगर हो, चाहे ग्रेटा थनबर्ग हो, ऐसे लोगों को भी इसमें आना पड़ रहा? कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि इससे देश का माहौल या अराजकता की स्थिति उत्पन्न होगी? बिल्कुल नहीं। पहली बात तो ये है कि मोदी जी इतने घबराए हुए क्यों हैं? अगर रिहाना एक अमेरिका बारबाडोस की लड़की, अगर उसने इतना पूछ लिया कि हम लोग चुप क्यों हैं, किसानों के आंदोलन के बारे में चुप, इस पर कि पूरी सरकार लग गई, बॉलीवुड के सारे लोगों को कहा कि इसको बाध किया कि ये ट्वीट करो, दबाव डाला, ये घबराई हुई उतनी क्यों है? लेकिन अनसर्टेनिटी का माहौल नहीं ले जैसा के भारत के अंदर का माहौल तो आपने पैदा किया हुआ है। अगर आप इस, लेकिन आप कानून को लेकर जो चर्चा के लिए बुला रहे हैं उसमें भी कोई हल नहीं निकल पा रहा, चर्चा करें नहीं आ रही। बात चर्चा करने तैयार का एक फोन कॉल पे मैं तैयार हूँ। अरे उस एक तरफ उन्होंने का ये बयान आया, दूसरी तरफ उन्होंने सीमेंट के दीवाले खड़ी कर दी, लोहे के कीले लगा दी, कैसी तरह से आप चर्चा करेंगे? कृषि मंत्री प्रभावी ढंग से वो कांग्रेस का समर्थन करते थे, अब उतने ही अच्छे ढंग से वो भाजपा का समर्थन कर रहे हैं। क्या आपका आशीर्वाद सिंधिया, आपका आशीर्वाद सिंधिया जी पे बना रहेगा? आपने आशीर्वाद दिया, मेरे बच्चे समान है, बच्चे आप कुछ भी करे आशीर्वाद तो देते हैं बड़े। तो बच्चे को क्या घर वापसी करी जाएगी कि बच्चे की घर वापसी करी जाएगी कि क्या आगे? तो किसने कहा था कि तुम चले जाओ? अपनी मर्जी से। क्या संभावना है किसान कानून को लेके? वो तो वापस होना चाहिए, किसान विरोधी है और ये चर्चा नहीं वो करा रहे वो लोग।
कराना है चर्चा, क्यों नहीं चर्चा कराना? संशोधन नहीं होगा तो क्या कांग्रेस? भाई हम तो किसानों के साथ है, कोई हमारा कांग्रेस पार्टी हमेशा से मजदूर किसानों के पक्ष में रही है और इस कानून के हम लोग विरोधी हैं। ठीक, चाचौड़ा में छात्रवृत्ति राशि में घोटाला। जिले के चाचौड़ा शिक्षा केंद्र में लाखों रुपए के घोटाले का मामला सामने आया है, जिसमें कि जांच के बाद जनपद शिक्षा केंद्र चाचौड़ा में पदस्थ बी आर सी को कलेक्टर द्वारा निलंबित किया गया है। किस तरह का मामला है और किस तरह से कार्रवाई की है? ये छात्रवृत्ति में सरस्वती शिशु मंदिर कुंभराज द्वारा एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसके क्रम में माननीय कलेक्टर महोदय गुना ने मुझे निर्देशित किया था कि इसकी जांच की जाए। के क्रम में मैंने जांच अधिकारी संकुल प्राचार्य कुंभराज को नियुक्त किया, जिसके क्रम में जांच अधिकारी कुंभराज ने बीआरसी कार्यालय में जाके छात्रवृत्ति की जांच के संबंध में जांच पड़ताल की परीक्षण किया, जिसमें पाया गया कि बीआरसी चाचौड़ा द्वारा प्रदत्त जो आईडी पासवर्ड है उसको उसके जो कार्यालयीन ऑपरेटर कंप्यूटर ऑपरेटर द्वारा यूज़ करके फर्जी छात्रों की छात्राओं की वेंडर बनाकर अपने खातों में छात्रवृत्ति का राशि को बैंक द्वारा ट्रांसफ़र किया गया है। कितनी राशि थी सर और कब कौन से वर्ष में ये राशि जो है 18-19 और 19-20 की है। कितने स्टूडेंट्सों की कौन कौन से स्कूल? लगभग 100-125 स्टूडेंट है वो, जिनकी राशि कंप्यूटर ऑपरेटर श्री अर्जुन मीणा ने अपने स्वयं के खाते में, पत्नी के खाते में और अपने रिश्तेदार के खाते में ट्रांसफ़र की। कितनी राशि है सर? 5,45,440 की राशि है, जिसके क्रम में माननीय कलेक्टर महोदय ने बीआरसी चाचौड़ा एवं कंप्यूटर ऑपरेटर को FIR दर्ज करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं तथा बीआरसी को निलंबित करने के आदेश भी प्राप्त होने से मेरे द्वारा बीआरसी चाचौड़ा को दिनांक 5/2/2021 को निलंबित कर दिया गया है एवं FIR हेतु BO चाचौड़ा को निर्देशित कर दिया गया है। सर और भी क्या संज्ञान आने वाले समय में ऐसे जो छात्रवृत्ति का होता है कि माननीय कलेक्टर महोदय ने निर्देश दिए हैं कि सभी जिले की इस प्रकार की छात्रवृत्ति की जाँच करने हेतु जांच समिति बिठाई जाए और मेरे द्वारा इसी क्रम में आदेश का पालन करते हुए सभी BOs को निर्देशित कर दिया गया है कि पूरे ब्लॉक में इस प्रकार के जो छात्रवृत्ति संबंधी जांच है उसको तत्काल जांच कर जांच प्रतिवेदन मेरे कार्यालय में प्रस्तुत करें। कितने लोगों को आरोपी बनाया गया है अभी? अभी 2 लोग आरोपी हैं, उसमें चाचौड़ा BRC है और कंप्यूटर ऑपरेटर श्री अर्जुन मीणा। सामाजिक बदलाव के लिए संघर्ष की कोशिश जारी रखने की आवाज दे रहे कविता पोस्टर, बोली श्रीमती पद्मा टांटिया। आवाज कविता पोस्टर अंग 41 का हुआ अनावरण। शहीद भगत सिंह यादगार मंच के तत्वाधान में चल रही वैकल्पिक सामाजिक सांस्कृतिक मुहिम आवाज कविता पोस्टर के अंग 41 का अनावरण श्रीमती पद्मा टांटिया शिक्षिका व समाज सेवी द्वारा डॉक्टर सुदीप अरोरा की क्लिनिक पर किया गया। कार्यक्रम चलाया है और मैं कई बार इस कार्यक्रम में उपस्थित हो चुकी हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है जब अपने गुना नगर में इतने अच्छे लोग, इतने मंच को चलाने वाले, संचालन करने वाले और साहित्य को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं। ईश्वर उन्हें आगे इसी प्रकार से प्रगति के पथ पर देता जाता रहे और सबके लिए मेरी शुभकामनाएं। शर्मा जी, आज यहाँ पर आप किस संदर्भ में इकट्ठा हुए, कृपया बताइए। आज यहाँ पर आवाज कविता पोस्टर के 41वें अंक का अनावरण किया गया, जिसमें श्रीमती पद्मा टांटिया जी ने इसका अनावरण किया और मुख्य अतिथि के तौर पर डॉक्टर KP अरोरा जी यहाँ मौजूद रहे और सुदीप अरोरा जी का विशेष सहयोग यहाँ पर रहा। और कोशिश ये की जा रही है कि पूरे शहर के अंदर 100 कविता पोस्टर लगाए जाएं। आज 41वें कविता पोस्टर का अंक अनावरण यहाँ किया गया है। कोशिश ये है कि बेहतर कविताएं लोगों तक पहुंच सकें और खुशी की बात है कि गुना के कविता पोस्टर की आवाज़ जो आवाज़ के नाम से निकाला जाता है, इसकी आवाज़ दिल्ली तक पहुंच चुकी है। दिल्ली में भी कविता पोस्टर लगता है, भोपाल में भी लगता है और अभी 3 महीना पहले नरेंद्र भदौरिया जी जर्मनी जब गए तो जर्मनी में भी आवाज़ कविता पोस्टर की आवाज़ पहुँची है। कोशिश यही की जा रही है कि अच्छा विचार लोगों तक पहुँचे। किसी शायर ने कहा है कि ऐसी वैसी बातों से तो खामोशी अच्छी है, या फिर ऐसी बात करो जो खामोशी से अच्छी है।
तो कोशिश की जा रही है कि उस खामोशी को तोड़कर एक बेहतर चीजें आए। हादसा ये नहीं कि हादसे इतने क्यों हैं, हादसा ये है कि लोग खामोश क्यों। तो कविता पुस्तक खामोशी को तोड़ने का और अच्छे विचारों को लोगों तक ले जाने का एक प्रयास है। फेसबुक पर लोगों के 4000 दोस्त हैं, लेकिन पड़ोस के दोस्त का अगर पता नहीं है तो ये संवेदनहीनता है। कविता पुस्तक संवेदनशीलता को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। फेसबुक पर लोग रहें लेकिन फेस टू फेस भी रहें, ये अपील भी हम आवाज कविता पुस्तक के माध्यम से कर रहे हैं। इसीलिए आज 41वें कविता पुस्तक का अनावरण किया गया है। बहुत धन्यवाद। सुरुचि क्लब का पदस्थापना समारोह शनिवार को संपन्न हुआ। सुरुचि क्लब ने हिंदू संस्कृति के अनुसार बसंत उत्सव मनाते हुए नए सत्र का पदस्थापना समारोह अशोका होटल में शनिवार को संपन्न किया। हमारा सुरुचि क्लब का स्थापना पदस्थापना समारोह रखा हुआ है हमने। इसमें जो है पिछले बार कोरोना काल के कारण नहीं हो पाया था, तो ये हम 2 साल बाद कर रहे हैं। इसमें हमने जो है ऑरेंज थीम पार्टी रखी, ऑरेंज खिलता हुआ है, तो सभी मतलब ये साल भी हमारा बहुत अच्छे निकले। इसमें सरिता अग्रवाल जो प्रेसिडेंट बनी है, और आप सभी जहाँ जाना चाहें जा सकते हैं। मित्तल ऋतु मित्तल जो सचिव बनी हुई है, और उस पर भी हमने सारा संतरी का डेकोरेशन किया हुआ है, और सारी स्वीट्स वगैरह भी या जो भी डेजर्ट वगैरह है संतरे की। सोनाली ए टू जेड मोबाइल एवं इलेक्ट्रॉनिक शॉप पता PHE के सामने सम्राट होटल के पास AV रोड हनुमान कॉलोनी रोड गुना। हमारे यहाँ सभी कंपनी के ओप्पो वीवो सैमसंग MI रियलमी रेडमी आईटेल टेक्नो लावा इंटेक्स नोकिया मोबाइल एवं स्मार्ट वॉच उपलब्ध हैं। एंड वीडियोकॉन कूलोन सैमसंग माइक्रोमैक्स रियलमी रेडमी आदि सभी कंपनी की 24 इंच से लेकर 55 इंच तक स्मार्ट TV उपलब्ध है। सभी प्रकार के मोबाइल बा LED 0% ब्याज दर न्यूनतम डाउन पेमेंट पर उपलब्ध है। हमारे यहाँ एंड्रॉइड मोबाइल 4,500 रुपए से स्टार्ट है। नॉट वन प्लस एंड आईफोन मोबाइल एंड स्मार्ट वॉच ऑर्डर पर ऑनलाइन कीमत से कम कीमत पर उपलब्ध कराई जाती है। सभी कंपनी के चार्जर डाटा केबल पावर बैंक वारंटी के साथ उपलब्ध। सभी कंपनियों के ईयरफोन्स उपलब्ध हैं। सभी कंपनियों के ब्लूटूथ नेक बैंड ईयरबड्स वारंटी के साथ उपलब्ध। सभी कंपनियों के मोबाइल की बैटरीज वारंटी के साथ उपलब्ध। सभी कंपनी के मोबाइल के बैक कवर उपलब्ध हैं। सभी कंपनियों के मोबाइल के बैक ग्लास गार्ड कैमरा ग्लास गार्ड एवं स्क्रीन गार्ड नॉर्मल ग्लास मैट ग्लास गोरिल्ला ग्लास 2D ग्लास से लेकर 11D तक संपूर्ण रेंज उपलब्ध है। हमारे यहाँ मोबाइल रिपेयरिंग भी की जाती है। 2 घंटे में मोबाइल का फोल्डर बार टच चेंज की जाती है। पता PHE के सामने सम्राट होटल के पास AV रोड हनुमान कॉलोनी रोड गुना। संपर्क करें मोबाइल 9589143408। गुना की जनता के लिए सोनाली ग्रुप का तोहफा। अगर आपका मोबाइल खराब हो गया है, अगर आप शॉप पर नहीं आ सकते, तो आप हमें मोबाइल नंबर 6265413639 पर कॉल करें। आपका मोबाइल घर से ले लिया जाएगा व रिपेयर कर आपके घर पर पहुंचा दिया जाएगा। त्रिपुर हौजरी सेल अंतिम ऑफर भारी डिस्काउंट के साथ 1000 की खरीदी पर एक टी शर्ट फ्री। सेल का आखिरी दिन 150 वाली साड़ी मात्र 50 रुपए में। दिन मंगलवार 9 फरवरी रात्रि 10 बजे तक। पता पवन श्री मांगलिक भवन जयस्तम चौराहा गुना। बच्चों से बड़ों तक की संपूर्ण श्रृंखला यहाँ। जीन्स शर्ट टी शर्ट लेडीज जीन्स लेडीज टॉप व लेडीज टी शर्ट, इसके साथ ही लेडीज कुर्ते लेगिंग ड्रेसेस। हमारे यहाँ सभी के लिए अनेक प्रकार की वैरायटी, डिजाइनिंग व ब्रांडेड गारमेंट्स। एक बार सेवा का मौका जरूर दें, साथ ही सर्दियों का धमाका। त्रिपुर होजरी सेल। गड्डी
इस सर्दी में आप पाएंगे न्यू डिजाइनर स्वेटर, जैकेट्स, लेडीज स्वेटर, लेडीज जैकेट, वूलन कुर्ते। बच्चों के लिए भी वूलन में कई वैरायटी। जी हाँ, ये सब एक ही दुकान पर, त्रिपुर होजरी सेल। हमारा पता त्रिपुर होजरी सेल।